सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आज फिर हम निकल पड़े एक नए सफ़र के लिए, और आज का हमारा जो व्लॉग रहेगा वो मसूरी के लिए रहेगा। और अभी मैं स्टार्टिंग यहीं से कर रहा हूँ क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो अभी डिलीट हो गई थी, जो हमारी स्टार्टिंग की वीडियो थी जहाँ से मैंने बनाई थी दिल्ली से जब हम निकले थे, तो वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गई है। तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया है। ये अपना टोल टैक्स है और इसमें अभी हमारे साथ हमारे कुछ यार दोस्त हमारे जा रहे हैं, और हमने गाड़ी अपनी करके लेके गए थे वीज़ा, और ये जो गाड़ी चला रहे हैं भाई की गाड़ी है, और मैं अभी सबसे आपको मिलाऊंगा। तो सफ़र में आप बने रहिए, और आप और जो भी मेरा भाई नया है चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट करके बताना भाई वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी, और कहाँ हमने गलती करी और कैसी मतलब वीडियो हमें बनानी चाहिए। और ये अभी हम आगे हाईवे से निकल रहे हैं, और अभी हमारा ये जो सबसे मैं आपका मीटअप कराता हूँ, ये हमारे भानू जी है, और ये मोहित चेतली, और ये इनके आगे जो बैठे हैं दो भाई हैं, और ये मैं हूँ। और ये हम मेरठ के लिए निकल गए हैं, और मेरठ अभी आपका आने वाला है, वहाँ पर हम खाना वगैरह खाएंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं अब हमारे एक खाने का टाइम हो गया। ये अभी हम मेरठ है, पुलिस चौकी घाट गोपर जनपद जनपद मेरठ। ये हमारे भाई, क्या नाम बताया था भाई आपने अपना? राघव चड्ढा। राघव चटनी गुजर बोला था भाई, तो बेकार होते हैं भाई ने टैटू बहुत सुंदर बना रखा है भाई। ये पहाड़गंज के नामक शहर से भाई वैसे काम करता है, जवान ने बोलते हमारी ये हमारी डिफेंडर खड़ी है। डेढ़ सौ रुपये के अंडे की आमलेट खा रहे हैं हम यहाँ पर चार अमूल के मक्खी की टिक्की लगा के। ये है भाई हमारे, ये हमारे टैटू इन्होंने, बॉडी में कम से कम 150 टैटू इनके पूरी बॉडी में टैटू, ये इन्हीं की डिफेंडर है। मोहित चेतली, कैसा एक्सपीरियंस रहा डिफेंडर में आपका? एक नंबर, ऑसम ऑसम। और हम बहुत ही बड़े वो हैं फाइनली मेरठ से निकलने के बाद हम निकल चुके हैं मसूरी के लिए, और मसूरी पहुंचने के लिए हमारी इतना एक्साइटमेंट हमें बढ़ा हुआ है कि कब हम मसूरी पहुंचेंगे और फाइनली पहाड़ आके देखेंगे। और ये हम यहाँ पर पहुंच गए हैं मसूरी के लिए, और यहाँ पर ये हमारी शुल्क लिया जा रहा है जिसे हम कहते हैं टोल टैक्स की तरह, यहाँ पर एक फीस लगती है जो कि 120 रुपए के हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। और पे करने के बाद अभी हम यहाँ से निकल पड़े हैं, और उसके बाद हम फाइनली पहुँच जाएंगे मसूरी। और लेकिन एक हमारे लिए एक्साइटमेंट लेवल कम हो गया है कि हम रात के टाइम पहाड़ नहीं देख पा रहे हैं। अभी के टेम्परेचर की बात करें तो 6 डिग्री है, ये देखिए, और हमारा एडवेंचर नेक्स्ट लेवल का हो चुका है। सभी की खुशी देखिए कि अब हम सुबह होते ही पहाड़ देखेंगे, बाकी बहुत मज़ा आने वाला है व्लॉग में, आप व्लॉग में बने रहिए। तो अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम सुबह ही यहाँ से धनोल्टी के लिए निकलेंगे। अभी हम थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, और उसके बाद यहाँ से सुबह हम निकलेंगे ऊपर धनोल्टी के लिए, क्योंकि यहाँ रूम भी कोई नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से हमें एक रूम मिला है। गुड मॉर्निंग टू मसूरी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा फ्रेश ब्लॉक मसूरी में है, तो आइए एक बार यहाँ का नज़ारे की आपको दृश्य दिखाते हैं। ये हमारा रूम है, ये यहाँ का नजारा है, हमारा रूम था जो कि एक दिन का, इसका हिंदी में बात करें भाड़े की तो 12,000 रुपए का। ये इसका व्यू है, हटाओ भाई हटाओ इसको हटाओ। यहाँ की ये पार्किंग है, और यहाँ से इसका व्यू है,
पहुंच गए हैं और यहाँ के पेड़ मेरे को जैसे कि बताया गया था बहुत लंबे लंबे पेड़ है, कम से कम 7-8 मंजिल तक के पेड़ हैं जैसे कि मुझे बताया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा देखने को, जब मैं इनके पास जाऊंगा तभी जाके अब देख के आपको बता पाऊंगा कि ये सच में लंबे इतने लंबे हैं भी या नहीं। लेकिन यहाँ का नज़ारा देख के ऐसा लगता है जैसे हम स्विट्जरलैंड में आ गए हैं। और यहाँ के टेम्परेचर की अभी बात करें तो अभी कम से कम 6 डिग्री के आसपास है, तो भाई बहुत अच्छा व्यू रहने वाला है। आगे व्लॉग में भी बने रहना, आगे ये पार्ट वाइज मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो ये अभी धनोल्टी का व्यू है। तो जो भी मेरे भाई चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके बताना भाई वीडियो कैसी लगी। आगे का नेक्स्ट व्लॉग मैं आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगा और जल्दी से भाई बढ़िया से कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं, तो ज़रूर बताना भाई और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी टिल देन बाय बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को गाली सिखानी।